सर, मेरा कहना ये है कि पहले वो अपने राज्य पे ध्यान दे। राज्य में बहुत सारी कमियां हैं, पहले उनका जो है वो पूरा करे, फिर आगे का वो सोचे। और फिलहाल मोदी जी से मेरे नज़र में कोई अच्छा अभी नहीं है। बिहार के अलावा बिहार में भी अब उन्होंने ऐसा दल बदलो वाला काम किया है कि बिहार के युवा भी उन्हें पसंद अब नहीं करते हैं। पहले रोजी रोजगार है, बेरोजगार हैं जितने भी स्टूडेंट, उन्हें पहले रोजगार दें, शिक्षा में ध्यान दें, पहले अपने राज्य में तो काम करें, फिर पूरा देश को देखें। वो उनमें वो विजन नहीं है जो कि अभी जो हमारे पीएम है उनके पास जो विजन है, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, बहुत सारा पॉलिसी भी लेके आए हैं जो कि लोग को फ़ायदा कर रहा है, जो ऑन ग्राउंड फ़ायदा कर रहा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स भी हैं वो भी उनका उस पर तारीफ़ ही करते हैं कि हाँ, काम तो कुछ हो रहा है। तो जब काम हो रहा है, लोग को दिख रहा है, तो फिर लोग क्यों उनको हटाएंगे? सीधा सा बात है, फ़ायदा जब लोग को दिख रहा है तो। अभी तो ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी वो विपक्ष को एक पक्ष में कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। लेकिन मे भी हो भी सकता है कि नीतीश कुमार कर पाए, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी का एक ये रहेगा तब तक नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना, क्योंकि भाजपा में बहुमत की सरकार है उनकी और विपक्ष में अभी उस तरह का नहीं है, जबकि विपक्ष को एक साथ करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। जबकि कांग्रेस ही खुद बटे हुए हैं, उनका इतने सारे नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से बिहार को इतने सालों से चला रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मतलब वो बन सकते हैं, मगर हमको नहीं लगता कि वो सारे विपक्ष को एक साथ कर पाएंगे। ये बात है, देखिए सबको अपने मतलब जो केजरीवाल हैं वो खुद चाह रहे हैं कि हम उधर से हो जाएं, वो अपने आप को बड़ा, चूँकि उधर पंजाब में भी उनका बन गया है सरकार, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है। रह गया बात नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का, तो मैंने मेरे हिसाब से पर्सनल परसेप्शन के व्यू से उनको थोड़ा सा मैंने मुश्किल को मैंने फेस करना पड़ेगा टक्कर देने के लिए। और मैंने वो कह रहे हैं पीएम मटेरियल वो अपने आप को, बट वो तो जैसा सभी जनता को पता है वो क्या पता है, मैंने वो मैंने उस लायक अभी नहीं है पीएम मटेरियल के लायक, बट वो कह रहे हैं। देखिए ओपिनियन तो सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि जो नीतीश कुमार जिस तरह से यहाँ पे बिहार में भी अभी मुख्यमंत्री का भी जो हो रहा है पेश हो रहा है, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार और ये इस पर JDU मिलकर ये बनाई है, ठीक है, सरकार बनाई है। इससे पहले वो BJP के साथ हैं, बहुत बड़ा गठबंधन तोड़ चुके हैं और किस वजह से ये तो नहीं पता, लेकिन ये चाहते हैं पीएम के लिए। देखिए सर, हो सकता है बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, इसे हम लोग को ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो भी करें अच्छा बनेगा। उनका जैसा हुनर नहीं है, ये खाली लड़ने के लिए खाली होती है, इसके कोई पावर नहीं है। बिहार तो ठीक चला रहे हैं। बिहार क्या चला रहा है? बिहार तो हमको एक रकम से माने कुछ नहीं चलाया हो, एक रकम से माने क्या किया हो ना, उस स्कूल में अभी ढंग से पढ़ाई लिखाई कुछ हो भी नहीं करता, तो उसका क्या नाम हुआ? उनमें देख रहे हैं काम करने का तरीका उनका ठीक है। बिहार में जब से आए हैं तो उनका हम लोग काम देखे, हम लोग यही रहते हैं शहर में, बहुत अच्छा काम करते हैं। पीएम के तो है, पीएम लाइक हैं, अब इनका बने या ना बने ये तो जनता को करना है। जनता सोचता है कि बढ़िया आदमी कोई बने, PM हो, CM हो, जो भी हो, जनता के भलाई वाला काम करे, आओ क्या सोचे, उस लायक तो है ये। प्रोजेक्ट तो सभी इंसान कर देते हैं कि हम ये बन जाएंगे, लेकिन बनने से तो है ये, उस समय बनने का समय ना होता है, वो समय चलता है, हवा चलता है बनने का। पीएम मोदी ऐसा ही थोड़ी मोदी बने, उस समय हवा चलाती है, मोदी बन गए, उनका भी नीतीश कुमार का भी हवा चला गया, अभी पीएम बन सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, ये कौन क्या कर सकता है, बन सकते हैं, लेकिन टक्कर देंगे कि नहीं देंगे तो उस समय फैसला होगा, अभी तो नहीं बदल हो सकता है, ये तो उस समय पता चलेगा, अभी तो उसी समय पता चल सकता है, अभी तो चुनाव का कोई समय भी नहीं है, तो अभी कैसे कोई बता सकता है।